नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एमडेल इन्फॉर्मेशन में। भाइयों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आवास योजना के प्रति। जिन भाइयों का अभी सेकंड किस्त, थर्ड किस्त और फर्स्ट किस्त, यानी दोस्तों पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, अभी भी एक भी किस्त भी नहीं रिसीव हुई है, या फिर भाइयों आप दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी यह है दोस्तों कि 26 जनवरी के दिन इन 7 से 8 राज्यों में आवास योजना का पैसा बहुत ही तेजी से भेजा जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं वो 7 से 8 राज्य जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका राज्य अगर होगा तो आपको भी लिए भी खुशखबरी की बात होगी, आपको भी आवास योजना का पैसा 26 जनवरी के दिन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके भी 4 से 5 टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है दोस्तों कि आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, जैसे जियो टैग पूरी तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का फोटो फेल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी दिक्कत है। बहुत सारे का बैंक में आधार डीबीटी वेरीफाई नहीं है, क्योंकि पहली किस्त मिल चुकी थी और दूसरी किस्त में भी डीबीटी वेरीफाई नहीं है तो भी दिक्कत हो रही है। तो भाइयों जो आज की वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा वो 7 से 8 राज्य कौन कौन से जहां पर आवास योजना का पैसा 26 जनवरी के दिन भेजा जाएगा, और जो कि और भी अन्य प्रॉब्लम है दोस्तों अभी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 7 से 8 राज्य है कौन। पहले नंबर पे है हमारा दोस्तों बिहार। बिहार वैसे भी बहुत ही पिछड़े वर्गों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बेरोजगारी का स्तर ज़्यादा है। चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ पर ग्रामीण ज़्यादा संचालित है, इसलिए शहरी की आवास योजनाओं में थोड़ी सी अभी भी ढीलवाई हो रही है। लेकिन 26 जनवरी के दिन आवास योजना का पैसा बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा आने वाला है। नंबर वन पे ही रहेगा बिहार। दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। दोस्तों इन दोनों प्रदेश में भी आवास योजना का लगभग लगभग 90% आवास योजना का पैसा यहाँ पर भी भेजा जाएगा। जितने लोगों का सही से जियो टैग और डीबीटी वेरीफाई, सारी प्रॉब्लम, सारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे, उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। और आप लोग देखेंगे भी 26 जनवरी को जो मैं राज्य बता रहा हूँ उनमें से सभी राज्यों में आवास योजना का पैसा कहीं ना कहीं जरूर पहुँचा ही रहेगा। तो चौथे नंबर पर हमारा आता है झारखंड। झारखंड में दोस्तों बहुत सारे लोगों का अभी लॉटरी वाला सिस्टम नहीं चालू हो पा रहा है, तो झारखंड में भी आवास योजना का पैसा भेजा जाएगा। पाँचवें नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आवास योजना का पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आवास योजना का पैसा थोड़ी तेजी से भेजी जाएगी। छठे नंबर पे हमारा गुजरात है। जी हाँ भाई, गुजरात में भी आवास योजना का पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का शहर है वो गुजरात में है दोस्तों। तो आपके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात घर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आवास योजना का पैसा भेजने की तैयारी कर रही है। सातवां और आठवां राज्य दोस्तों, अगर आप लोग उनमें से बिलोंग करते होंगे तो आपके लिए छोटी सी खुशखबरी होगी आपकी मुस्कान पर। वैसे दोस्तों ये सातवां और आठवां राज्य बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी आवास योजना का पैसा भेजने की तैयारी कर रही है। छठे नंबर पे हमारा असम आता है दोस्तों, और असम में बहुत पहले ही गवर्नमेंट पैसा भेज रही थी, लेकिन दोस्तों अभी भी जो कि पेमेंट आने में थोड़ी सी वंचित रह गई है। तो सातवें नंबर पर जो असम है उसमें भी आवास योजना का पैसा भेजा जाएगा। आठवें नंबर पर हमारा आता है दोस्तों गोवा। जी हाँ भाइयों, गोवा से भी बहुत सारे लोगों का समस्या आ रही थी, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत ही कम ही आवास योजना का संचालन हो पाया है, तो वहाँ पर भी आवास योजना के पैसे भेजे जाएंगे, लेकिन थोड़े कम मात्रा में भेजे जाएंगे। थोड़े कम मात्रा का कहने का मतलब है भाइयों कि वहाँ पर लगभग 50% ही आवास योजना का पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। चलिए भाइयों, जानकारी कैसी लगी? एक भी पर्सेंट अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद भाइयों।